नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर में हम लोग जितने भी इस टाइप के जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उन सब में खाद देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है मेरा खाद देने का। वैसे तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं इन प्लांट्स में, जैसे कि मेरे जो यहाँ पे ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, इनमें मैं जो भी दाल चावल का पानी वानी होता है वॉश करती हूँ, सब्जियों को वॉश करती हूँ, आलू को उबालती हूँ जब, तो जो पोटैटो पील वाटर होता है बिना नमक का, वो सारा कुछ मैं डालती हूँ। तो ये देखिए, मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। लेकिन क्या है ना कि जो ये अक्टूबर का मंथ होता है, तो जितने भी इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, इनमें हम जैसे कोई प्लांट अगर नहीं अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तो मैं उसमें डाल देती हूँ इस समय। तो चलिए मैं आपको फटाफट से, देखिए यहाँ तो कहीं किसी भी प्लांट में ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है कि कोई किसी में मैं कोई चीज़ ऐसी दूँ। जैसे आप देखिए, ये सब ऐसे कटिंग्स लगी हुई हैं, ये सब मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये देखिए, ये दो दो एक एक दो दो लीटर की ये बॉटल है। बॉटल में कितने अच्छे से मेरी ड्रिप एंड वेक्या की सब कटिंग चल रही है। तो आपको इधर भी दिखाती हूँ। एक्चुअली सब यहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सा हो रहा है मेरे यहाँ। मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चल रहा है, तो इस वजह से सब एक जगह सब ऐसे भर रखा है मैंने। चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने प्लांट्स में, आइए अब हम लोग इसमें खाद डालते हैं। तो अब मैं देखिए आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये वाला मेरा जो फैन पाम है, ये देखिए इसमें इतनी मिट्टी है और इसमें यहाँ पे जगह भी है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा मैंने गीला कर दिया था, पानी मैंने डाल दिया था, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करिए, इधर से मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। अब सूखी मिट्टी रहेगी तो भी ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना, यहाँ मैंने आपको बताया जैसे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आज ही मैंने, बल्कि सुबह सुबह पानी दिया है। 5 दिन हो गए थे तो पानी नहीं दे पाई थी, फिर अगर पानी नहीं दो तो फिर ये ड्राई होने लगती हैं, तो इस वजह से मैंने पानी दे दिया। वैसे अगर आप खाद अगर आप देने जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा मिट्टी सूखी ही रहे तो कोई बात नहीं, सूखी रहेगी। उसके बाद आप इसको इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मिट्टी आप हटा दीजिए। यहाँ से मिट्टी हटाने के बाद ऐसे चारों तरफ से, दोनों साइड से, कभी भी जो ये रूट बॉल होती है ना, यहाँ पे बिल्कुल मत दीजिएगा, एकदम यहाँ से हटा के इस जगह पे मत दिया करिए, किनारे किनारे, गमले के किनारे किनारे खाद डाला करिए। तो ये देखिए, ये जो है ये गोबर खाद है, बिल्कुल सड़ी हुई, अच्छे से डिकम्पोज हुई खाद है। आपको अगर नहीं मिलती है तो आपको जो भी खाद मिलती है, किचन वेस्ट हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज हुई हो। तो एक तो आप इसमें ये डाल सकते हो, इसको देखिए ऐसे ऐसे ये लिया, इस तरह से आप साइड साइड में ऐसे करके मिट्टी थोड़ी सी हटा दी हमने, ऐसे ऐसे करके इधर से हटा दिया, और पूरी तरफ मतलब ये जितनी है ना, ये सारी इस गमले में आ जाएगी। तो इसको इस तरह से आप डाल दीजिए, और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं बस ये डालती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है अगर मिट्टी में, तो वो ये पूरा कर देता है। और इसको बस 2 चम्मच के करीब, ये ज़्यादा है, ये देखिए ऐसे ये तलिया, एक थोड़ा थोड़ा इधर डाल दिया, थोड़ा थोड़ा से, 2 चम्मच से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और बस आप इसको ऐसा करके और मिट्टी को बस ऐसे पलट दीजिए। तो इसको अब इसके बाद पानी डालिए, मैं चूँकि पानी डाल चुकी हूँ, मैंने आपको बताया, पानी आप डाला करिए। सूखी खाद हमने डाल दी, और इसी तरीके से जितने भी इस टाइप की ये सब देखिए सब प्लांट है, क्रिसमस वाला हो गया, जो भी है, मतलब आपको जो भी जहाँ जगह मिल रही है वो आप ये देखिए, ये वाला मैंने इस वाले फाइकस को वो किया था, इसकी प्रूनिंग उन्हें सब की थी, इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके बस डाल देना, और कुछ नहीं करना है, यहीं पे साइड साइड में खाद डालना है। तो ये हो गया, और देखिए जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स होते हैं, फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं देती हूँ, क्योंकि देखिए उनमें ना तो फ्लावर्स होते हैं, ना उनमें फ्रूटिंग होती है, तो जो भी, और ना वो सनलाइट में होते हैं, वो इंडोर का मतलब होता है कि वो ब्राइट लाइट में होते हैं। तो
बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि मैम मेरे पास थोड़े से प्लांट हैं, मैं उनमें क्या दूं। तो आप इस तरीके से देखिए, पैकेट्स मिलते हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। इस तरह से ये वाला पैकेट जैसे मुझे मिला था, शायद 20 या 30 रुपए का मिला था। तो आप ये इस तरीके के दो चार पैकेट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपके पास जितने प्लांट हो, आप वो खरीद सकते हैं। और बाकी जैसे बहुत ज़्यादा जिनके पास प्लांट हो, जैसे मेरे पास है, तो मैं इस तरीके से बोरियां खरीदती हूँ। और अक्टूबर के मंथ में सब में डालते हैं हम लोग, सारे ही प्लांट्स में डालते हैं। और इसके अलावा ये मैंने आपको जैसे सीवीड दिखाया, ये देखिए ये छोटा वाला भी जो मैंने वो डाला ना, वो मोटे मोटे से दाने थे। इसकी मैं अच्छा खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल महीन महीन दाने हैं, ऐसे चाय की पत्ती होती है ना, उससे भी छोटे छोटे से हैं। तो जैसा भी मिल जाए आप वैसा ले सकते हैं और इसको आप अपने इंडोर प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको सिर्फ इंडोर प्लांट्स के लिए बताया। इंडोर प्लांट्स में आप मतलब वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, बस अच्छे से डिकम्पोज हुई हो, और ये आपका सीविड जाइम ऑर्गेनिक है, बस आप यही दे दीजिएगा तो आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, जितनी चीज़ें मैंने, दो ही चीज़ डालती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है इंडोर प्लांट्स में डालने के लिए। बस इतना है कि ब्राइट लाइट में रखिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्चुअली क्या था ना, खाद सब मैं यहीं ऊपर छत पे यहीं रखती हूँ, तो वही वीडियो बनाते बनाते मैं जो है ना ऊपर आ गई बस, तो मैं आपको प्लांट्स अपने दिखाने लगी। और भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर किया नहीं है अभी तक तो। ये देखिए, आपको चलते चलते मैं अपनी खाद दिखा रही हूँ। ये मेरी किचन वेस्ट वाली खाद है, ये भी तैयार हो गई है, सब विंटर की तैयारी चल रही है।